केरल में फंसे दुमका के 32 मजदूरों और 5 बच्चों की घर वापसी कराई गई। झारखंड सरकार के प्रयास से सभी मजदूरों की वापसी हुई। केरल से मजदूर एलेप्पी धनबाद एक्सप्रेस पर सवार होकर धनबाद पहुंचे, जहां से उन्हें दुमका के लिए रवाना किया गया। मौके पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, जिसे सृजित कर राज्य सरकार मजदूरों का पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है। प्रवासी मजदूर केरल में थे, वहां से आज लाया गया और सारा व्यवस्था यहां से दुमका तक घर तक पहुंचाने के किया गया। इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन सरकार का बहुत बहुत बधाई। और हम लोग भी चाहते हैं कि पलायन रुके, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। यहाँ रोजगार का कमी नहीं, रोजगार सृजन करके लोगों को यहीं काम मिले तो इससे हम लोग का जो अभी पलायन हो जा रहा है इसको रोका जा सकता है। मजदूरों ने बताया कि उन लोगों को रोजगार दिलाने के नाम पर केरल ले जाया गया था। सभी मजदूरों से आधार कार्ड और 1,000 रुपए नगद लिया गया। दलाल ने मजदूरों को भेज दिया और कहा कि वह भी पीछे से आ रहा है, लेकिन जब मजदूर केरल पहुंचे तो वहां दलाल नहीं आया। बाद में मजदूरों ने जब वाहन चालक से अपने आधार कार्ड की मांग की तो चालक ने कहा कि 1,000 रुपया देने के बाद ही आधार कार्ड दिया जाएगा। मजदूरों ने घर वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था और फिर उन्हें वापस लाया गया। कहाँ से आई आप लोग? केरल से आए। क्या करती थी वहाँ पे? हम ये थे, बोल रहे थे इलाची कम है, इलाज का कम नहीं है, तो कम नहीं मिला तो हम आए हैं। कितना दिक्कत हो रहा था वहाँ? कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं लिए थे, कुछ सब कुछ का दिक्कत था। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे 32 आदमी। 32 आदमी। जिला दुमका से हम लोगों को सूचना मिली थी कि केरल में कुछ मजदूर हैं जो आज वापस आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सकुशल दुमका पहुंचाना था एलएपी से। तो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी, वहां से भी गाड़ियां आ गई थी। हम लोग इन मजदूरों को वहां से जो गाड़ी है स्मूथली उन लोगों को पहुंचा देंगे और इनकी सबकी वहां पे टेस्टिंग होनी है और यही आज उसके लिए हम लोग यहां पे आए। लगभग कितने लोगों को लाया गया होगा? जो सूचना मिली है 32 लोग थे, वो 32 लोग आए हैं एलएपी ट्रेन से और उनको हम लोग स्मूथली बहुत हिफाजत से हम लोग इनको दुमका पहुँचा। हमारी सरकार की और विभाग के निर्देश के अनुसार हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे ही जानकारी मिलती है उनको वहाँ असुविधा हो रही है, वो आ नहीं पा रहे हैं अपने घर में, तो सरकार के स्तर पर अरेंजमेंट करके उनको यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था परिवहन विभाग के द्वारा समुचित तरीके से की जाती है। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।